नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक यूपी में 20 सड़क पर बीजेपी का एक ब्राह्मण नेता पुलिस वाले की वर्दी को रौनता रहा ये वीडियो ये तस्वीरें आपको दर्दनाक मतलब आपको पता चलेगा कि किस तरह से सत्ता के हनक में ये लोग पागल हो गए हैं किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं आज तक किसी एस सी एस ओबीसी माइनॉरिटी को देखा है पुलिस वाले पर हमला करते हुए ये कानून का इकबाल होता है एक पुलिस का आदमी लाठी लेके खड़ा रहता है और हजारों की भीड़ शांत रहती है इसको कानून का राज कहते हैं इसको संविधान का राज कहते हैं लेकिन वो कौन लोग हैं जो पुलिस वाले को ठेंगे पर रखते हैं कल बिहार में एक मिश्रा पंडित ब्राह्मण जो मंत्री है उसकी गाड़ी को थोड़ा रोक दिया क्योंकि एस डीएम जा रहे थे उसने पूरे विधानसभा को सर पर उठा लिया आज सरयाम सड़क पर लखनऊ में एक शख्स ने मिश्राज ने शुक्ला ने पुलिस को बर्दी तार तार कर दिया इस पर ही बताएंगे यूपी में फाइटर प्लेन का टायर चोरी करके ले गया फाइटर प्लेन जो आया था उसके टायर खोल लिए सोचिए कल्पना कीजिए कि क्या चल रहा है आज चंद्रशेखर रावन का जन्मदिन है वो भी बताएंगे तो वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है बहुजन समाज के लिहाज से जरूरी है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं और ये वो खबरें हैं जो आपको सुनना चाहिए आपको पता है यूपी टेट की जो परीक्षा लीक हुई थी उसमें बीजेपी के विधायक के भाई का नाम आ रहा है संपत्ति जब्त होगी हो, का भी होर्डिंग होना चाहिए देखिए ये दोनों यूपी टेट के छात्रों के दोषी हैं इनमें एक से भाजपा विधायक का भाई है इनकी लखनऊ के चौराहे पर होर्डिंग कब लगेगी सोचिए सीएनआरसी में मुसलमानों के होर्डिंग लगा दिए गए थे आप भरोसा कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए वीडियो पांच सेकेंड से ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं देखिए पुलिस वाले को किस तरह से मारा जा रहा है और जो चश्मा लगाए हुए और बंडी पहने हुए जो शख्स दिख रहा है जिसने थप्पड़ चलाया तीन सेकेंड का यह वीडियो देखिए ये जो थप्पड़ चलाया इस शख्स का नाम है आशीष शुक्ला कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का नेता है और ये पुलिस वाले को थप्पड़ मार रहा है गाली गलौज दे रहा है पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारा नहीं है और बाकी लोग उसी पुलिस वाले को समझा रहे हैं ये देखिए इसने कई बार थप्पर मारा है क्या इसके घर पर बुलडेजर चलेगा क्या इसके होर्डिंग पूरे लखनऊ में लगेगी इसको किसने अधिकार दिया किसी पुलिस वाले को मारने का किसी पुलिस वाले को भी जिस तरह से अधिकार नहीं है किसी आम आदमी को मारने का यह शख्स पुलिस वाले को पीट रहा है इसलिए मैं कहता हूं कि देश में कानून का राज इकबाल से चलता है अगर कानून से इकबाल खत्म हो जाएगा तो यही सब होगा सोचिए किस तरह से इकबाल खत्म हो गया आप क्या कहेंगे और ये जो तस्वीरें हैं कुछ और देखिए ये तस्वीरें देख लीजिए ये तस्वीरें संसद भवन की है जहां सस्पेंड सांसद धरना दे रहे हैं मतलब अब संसद में सांसद नहीं बोल सकते हैं सोचिए बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कितना जो है प्रदर्शन कर देती और एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को गोरख जी जी ये योगी जी डांट रहे ये ये सही नहीं है ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष विभराट इनका नाम विभराट है और ये काफ़ी सीनियर नेता है बीजेपी के ही इनको डांट लगाई जा रही है पूरा नाम बता दे रहा हूँ कभी कभार भौकाल बनाने के चक्कर में बेजती हो जाती है गोरखपुर में नज़दीकी दिखाने के चक्कर में भाजपा नेता विभराट चंद कौशिक इनकी शानदार डांट पिटाई होगी और कल पत्रकारों ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया ये देखिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसको वीडियो को जारी किया है स्क्रीन शॉट देखिए संसद नहीं जा सकते हैं अब पत्रकार जो पत्रकार आपको दिन भर टीवी पर ज्ञान देते हैं वो अपना अधिकार नहीं बचा रहे हैं उनको संसद जाने से मना ही कर दी गई इसलिए प्रेस क्लब में और यूपी में फर्जी लफ जिहाद मामलों का पर्दाफाश करने के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा एनडीटीवी के दो पत्रकारों को सम्मानित हुआ जी का दो सो बंद हुआ है ये देखिए बड़ी खबर है जबलपुर में जिस तरह से ओबीसी महासभा पर लाठी चार्ज हुआ था उसके बाद 6 दिसंबर 10 दिसंबर को माफ कीजिएगा 10 दिसंबर को भोपाल में ओबीसी महासभा बड़ा आंदोलन करने जा रही है तो ये बड़ी खबर है लेकिन घूम फिर के सोशल मीडिया पर वही तस्वीरें आ रही है कि किस तरह से एक पुलिस वाले को मारा जा रहा है और ये वो शख्स है राय अनूप प्रसाद यूपी टेट पेपर लीक कराने वाला राय अनुप्रसाद बिहार के नरकटियागंज से बीजेपी की दबंग विधायक रसीम वर्मा का भाई है गोरखपुर की शहरी रियासत का सदस्य अनुप्रसाद दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है यूपी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय से डील करके पेपर लीक कराया उपाध्याय जी के घर पर कब बुलडोजर चलेगा लेकिन सबसे बड़ी खबर बताऊंगा ट्विटर पर ट्विटर का एक कास्टिस्ट जो है वो हेड बन गया है और उसके बाद से कल दिन भर ट्विटर पर कोहराम रहा किसी का दस हजार पांच हजार तीन हजार दो हजार सबके जो फॉलोअर्स हैं वो कम कर दिए गए तो क्या सोशल लगातार सरकार की कोशिश है कि टीवी मीडिया तो उनके साथ है सोशल मीडिया पर कैसे कंट्रोल किया जाए और गुड न्यूज हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूड्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एमॉन्ग प्रोटेक्शन फॉर ग्रेजुएट एंड स्टूडेंट वर्कर्स जाति के नाम पर यहाँ का जो 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 जातिवादी मनुवादी विदेश जाता है ना वो सुटकेस में भर के जाति ले जाता है हार्वर्ड में इन जातिवादियों के खिलाफ कानून बनाया और ये शानदार तस्वीरें देखिए चंद्रशेखर रावण की के, के आज का जन्मदिन है और देखिए दर्जनों केक जो है वो उनके समर्थ उनके लिए लाए हैं और वो केक काट रहे हैं तो बहुजन समाज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जातिवाद का मजबूत घर है इसलिए इन राज्यों को देवभूमि कहा जाता है ये ताज उत्तराखंड में एक नेशनल दस्तक पर पूरी रिपोर्ट देखिए एक शख्स की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो सवर्ण की शादी में खाना निकाल रहे थे और ये देखिए कुछ और खबर ये है देखिए बनियों ने ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर बेदखल करना शुरू कर दिया है मेरी राय की पैसे से मिली श्रेष्ठता जन्मजात श्रेष्ठता की तुलना में बेहतर है पैसे की श्रेष्ठता कोई भी हासिल कर सकता है कम से कम संभावना तो रहती है बनिया पावर तो प्राग अग्रवाल ने जैसे ही सम कमान संभाली है आ, आ, ट्विटर की भारत में तो कम से कम कोहराम मचा हुआ है और सबके फॉलोअर्स कम किए जा रहे हैं और ये देखिए दिव्यांग फाइटर जेट यूपी दौरे के बाद ये वो फाइटर प्लेन है जिसके टायर निकाल के लोग ले गए ये ये ठीक नहीं है अब ये तस्वीर असली है नकली है ये तो अमेरिका के फाइटर प्लेन की तस्वीर है लेकिन ये मजाक कर रहे हैं नदीम और तो ये बहुत ही खतरनाक खबर है देखिए मिराज फाइटर प्लेन का टायर हुआ चोरी एसआर होटल के पास प्लेन का टायर चोरी टायर ट्रेलर में लाद कर ले जाया जा रहा था जोधपुर सत्ताईस नंबर को चोरों ने दिया घटना को अंजाम लखनऊ के आसियाना क्षेत्र का मामला ये भारत समाचार ने छापा इस खबर को और इसलिए और सम्राट अशोक ने चौरासी हजार स्तूप बनवाए तो तिब्बत से शाक्य बौद्ध मठ ने चौरासी हजार पुस्तकें संग्रहित की ये वो तिब्बत का शाक्य बौद्ध मठ है जिसमें चौरासी हजार किताबें हैं तो इसलिए कहता हूं तेईस यूनिवर्सिटियां थी जब बुद्ध का दौर था तो तेईस यूनिवर्सिटियां थी और इसलिए किसी ने लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की तरह मनसर में मिला बौद्ध विश्वविद्यालय अब तक तेईस विश्वविद्यालय मिल चुके हैं फिलहाल यही नहीं पता चला कि ऐसे कितने बौद्धकालीन विश्वविद्यालय को बौद्ध विरोधी ने भूमिगत कर दिया है अब बड़ा सवाल है कि खिलजी ने नालंदा को जलाया था मनसर विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया मौर्य काल शिक्षा की दृष्टि से सबसे उन्नत था तो ये तमाम खबरें मैं आपके लिए लाता हूं जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएगा अमेरिका में एक बिल पास हुआ है उस बिल में बताया गया कि जो भी जज बनेंगे उनको अपनी संपत्ति का एक एक रुपया का ब्यौरा देना पड़ेगा आपको पता है भारत में जो जज हैं क्योंकि अमेरिका में ये क्यों हुआ है क्योंकि वहाँ के जज जो है ना वो कंपनियों के पक्ष में फैसला दे रहे थे क्योंकि उन कंपनियों में जजों के पैसे लगे हुए थे इन्वेस्टमेंट था तो इसलिए वहाँ कहा कि अब भाई एक एक रुपया का हिसाब दीजिए लेकिन भारत में तो राजनीतिक दल किससे चंदा लेते हैं किस किस कंपनी से वो भी नहीं बताते हैं जजों की बात कौन करे उस विशेष देश में एक बार यह भी हुआ है कि प्रधान न्याय न्यायाधीश के बेटे की कंस्ट्रक्शन कंपनी का पता न्यायमूर्ति का सरकारी आवास था तो भारत में जुडिशियरी को लेकर उसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है तो बीजेपी के विधायक का भाई पेपर लीक मामले में पकड़ा गया है एक उपाध्याय जी की मिली भगत से और पराग अग्रवाल जब से ट्विटर हेड बने हैं भारत में लोगों के फॉलोअर्स कम किए जा रहे हैं तो क्या सरकार अब ट्विटर फेसबुक और यूट्यूब पर नकेल कसने जा रही है लग तो यही रहा है क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो सरकार के कंट्रोल से बाहर है और उस पर दुनिया के तमाम लोग अपनी तमाम बातें लिख रहे हैं और भारत में खासकर एस सी एस माइनॉरिटी के लिए सबसे बड़ा जो खबरों का जो भरोसेमंद भरोसेमंद जो सोर्स है जो स्रोत है वो सोशल मीडिया है तो ये आज की बड़ी खबरें थी लेकिन सोचिए यूपी के लखनऊ में किस तरह से जाति की हनक और सत्ता की हनक में पुलिस वाले को थप्पर मार दिया जाता है आप लोग की क्या प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया जोर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं निस्ल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें